बिना चीरे के देखिए गुर्दे की पथरी कैसे निकालते हैं ये डॉक्टर, 40 साल से पथरी निकाल रहे हैं, ये सामने देखिए आपके गुर्दा है, गुर्दे के अंदर ये पथरी होती है जो, किस तरह से इसको पहले तोड़ा जाता है ये देखिए आपके सामने, ये पथरी को पहले तोड़ते हैं और सबसे बड़ी बात बिना चीरा दिए, बिना सुराख किए, बिना कोई टांका लगाए ये पथरी को बाहर निकाल देते हैं। देखिए कुछ पथरियां सर ने पानी के अंदर भी रखी हुई है और हजारों मरीजों के ये असली स्टोन निकाले हुए हैं। सर ये दिखाएं हमें जो आपने पानी में रखी हुई है कैसे तोड़ते हैं, ये गुर्दे के अंदर आपने देखी पथरी कैसे टूटी है। अब सर से हम जानेंगे कि ये देखिए इस तरह की पथरी होती है जो हमारे गुर्दे के अंदर बन जाती है। अब ये देखिए डेमो के साथ आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहले इसको तोड़ा जाता है यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है ताकि इसको बाहर निकाल ले। अब बाहर कैसे निकलती है वो हम देखने वाले हैं और जानने वाले हैं डॉक्टर साहब से। तो सर आप हमें बताएं ये गुर्दे की पथरी आप कितने साल से निकाल रहे हैं? गुर्दे की पथरियों का इलाज मैं पिछले 43 साल से कर रहा हूँ और पिछले लगभग 26-27 साल से इसको एक नई टेक्नोलॉजी से निकाल रहा हूँ जिसको RIRS कहते हैं। इसमें ना तो कोई चीरा फड़ी होती है और ना ही कोई सुराख होता है। तो सर ये कैसे, कौन सी टेक्नोलॉजी है जो आप यूज कर रहे हैं? जैसे मैंने कहा इसको RIRS कहते हैं, ये PCNL से अलहदा है। PCNL में पीठ पे सुराख किया जाता है और किडनी में भी सुराख होता है और उसकी कॉम्प्लिकेशंस काफी ज्यादा हैं। ये टेक्नोलॉजी जो हम यूज कर रहे हैं इसको RIRS कहते हैं, रिट्रोग्रेड इंट्रारिनल सर्जरी। पेशाब के रास्ते से ये 3 mm के लगभग की दूरबीन हम पेशेंट के अंदर डालते हैं। तो सर ये हमें डाल के दिखाएं प्रोसेस कैसे कैसे होता है ताकि सबको पता लग जाए कि गुर्दे की पथरी आज के समय में बिना चीरे के बिना सुराख के निकाली जा सकती है। ये एक दूरबीन है, इसको ये सिंगल यूज दूरबीन है, एक पेशेंट में एक बार ऑपरेशन करके हम इसको एक तरफ कर देते हैं और इससे फायदा ये है कि इससे इन्फेक्शन नहीं होता, क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो सर जब ये किडनी के अंदर चली जाती है फिर हम इसको आराम से मोड़ सकते हैं। ये देखिए ये इसकी डिफ्लेक्शन है, किसी भी खाने में हम गुर्दे के किसी भी खाने में जा सकते हैं। गुर्दे के अंदर जैसे ये हम गुर्दे के मॉडल के पास गया हूं मैं, हम ऐसे अंदर पहुंचते हैं फिर हमने इस खाने में ऊपर जाना है तो हम ऊपर चले जाते हैं, नीचे आना है तो फिर हम इसको मोड़ के नीचे आ जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कहाँ पे पथरी है और कैसे और कितना हमें मोड़ना पड़ेगा। और किसी भी खाने में जाके हम पथरी को पहले लेजर से तोड़ते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया और फिर तोड़ने के बाद जो टुकड़े बन जाते हैं उनको तो एक एक करके दिखाएं हमें, पकड़ के निकाल लेते हैं। एक बार सर ये तोड़ के दिखाएं कैसे, जैसे कि ये पथरी कितने mm की है जो इसके अंदर? ये इस वक्त 5-5, 6-6 mm की पथरियां हैं जिनको हम तोड़ सकते हैं लेजर से। तो सर एक बार ये हमें दिखा दें, ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल साबुत पथरी, ये डस्ट बन गई है और टूट गई है। कुछ ही सेकंड लगते हैं इस पथरी को तोड़ने में हमें। ये थुलियम लेजर है जो मैं यूज कर रहा हूँ, हाई पावर लेजर होता है। किडनी स्टोन्स के लिए हम सिर्फ थुलियम लेजर ही यूज करते हैं। असली स्टोन है ये जो, ये असली स्टोन है, ये पेशेंट से निकाले हुए स्टोन है और इनको तोड़ने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको बास्केट से हम पकड़ के बाहर निकाल लेते हैं। लेजर फाइबर मैंने दूरबीन से बाहर निकाल दिया है और अब मैं इसके अंदर बास्केट डाल रहा हूँ। इसको टिपलेस बास्केट है, टिपलेस इसलिए कि ताकि किडनी के किसी भी हिस्से को ये चोट ना लगाए। ये देखिए यहां से बास्केट चली जाती है अंदर और यहां से निकलती है और ये टिप से निकल आएगी बाहर। अभी आप देखिएगा ये सबसे अच्छी बात यह है कि इंस्ट्रूमेंट सिर्फ एक मरीज के ऊपर ही डॉक्टर साहब यूज करते हैं, उसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट जो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है तो इसके अंदर इंफेक्शन का डर भी नहीं रहता। सर ये जो आपने बाकी यूज किया है ये फेंक देते हैं आप? हम फेंक देते हैं। तो देखिए ये देखिए ये बास्केट चली गई। अब इस बास्केट को हम खोल के, ये देखिए बास्केट है यानी कि चिमटी या वो भी बोल सकते हैं। ये देखिए ये चिमटी खुल गई, इसके से हम स्टोन पकड़ लेते हैं। इस स्टोन को पकड़ लिया है, ये स्टोन को पकड़ के
फिर हम इस दूरबीन के साथ बाहर निकाल लेते हैं। यानी कि अगर कोई बड़ा हो तो उसको हम छोटा सा फिर और तोड़ते हैं और छोटा कर लेते हैं। बिना दर्द के? दर्द तो नहीं होता इसमें सर? इसमें बेहोश करके किया जाता है ये ऑपरेशन। दर्द? ये देखिए ये स्टोन बाहर आ जाता है। इसी तरह से हम सारे टुकड़े एक एक करके ये यूरिन के रास्ते में लगाया जाता ये है। ये एक कंड्यूट है जो हम डाल देते हैं गुर्दे से लेकर पेशेंट के बाहर तक। इसे बार बार हम अंदर जा सकते हैं बाहर आ सकते हैं। यानी कि एक एक टुकड़ा करके बाहर निकाल लेते हैं। और ऑपरेशन के जब खत्म होने लगता है जब हमें पता लग जाता है कुछ नहीं अंदर रहता फिर हम इसको एंड में बाहर निकाल लेते हैं। तो ये सारे जो टुकड़े इस तरह से आपने हजारों मरीजों के यहाँ पे निकाले हुए हैं और 40 साल से आप ये कार्य कर रहे हैं? हाँ, ये ऑपरेशन मैं पिछले 26-27 साल से कर रहा हूँ। ये हिंदुस्तान में मैंने शुरू किया था और 7-8 साल मैं अकेला ही था सारे देश में जो इस टेक्निक से गुर्दे की पत्थरियां निकालते थे। डॉक्टर साहब एक बात और बताइए कि जैसे जनरल ऑपरेशन होता है जैसे सुराख करके लोग निकालते हैं और इस ऑपरेशन के अंदर क्या फर्क है? लोग ये ऑपरेशन ही क्यों करवाएं, वो क्यों ना करवाएं, क्या उसके अंदर? इसमें कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत लो है, सेफेस्ट ऑपरेशन है, डे केयर प्रोसीजर है, एक दिन में सारा हो जाता है, पेशेंट दूसरे दिन काम पे जा सकता है। पत्थरी निकली अगले दिन काम पे गए, उसके बाद काम पे जा सकता है। कोई सुराख नहीं है, कोई चीरा फाड़ी नहीं है, कोई आपने कोई टिश्यू नहीं काटा। तो यदि आप भी इस तरह की पथरी के दर्द से जूझ रहे हैं तो सर ये कितने एमएम की पथरी निकलवानी चाहिए? जब 6-7 एमएम तक तो हम दवाइयों से कोशिश करते हैं और अगर उसके बाद कोई ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन हो या कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो ये पथरियां निकालनी पड़ती हैं। तो जब तंग करने लग जाए पथरियां, तो इस तरह से देखिए आपने ये डेमो के थ्रू देखा पथरी को कैसे चूरा चूरा करके बिना चीरे के बाहर निकाल लेते हैं। तो आप भी अगर किस तरह की सलाह चाहते हैं तो कनाल प्लस के दिए हुए नंबर पे संपर्क करके आप सर का नंबर ले सकते हैं और इनकी टीम से बात कर सकते हैं। थैंक यू।